हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक हॉरर कंप्लीट वेब सीरीज के 10 एपिसोड्स को इसी वीडियो में। सीरीज का नाम है इंस्पेक्टर ऋषि। इमेजिन करो, जंगल में मर्डर्स हो रहे हैं लेकिन उनके आसपास ही लाश पेड़ पर लटकी मिलती है, पूरी बॉडी अकड़ी हुई होती है और पूरी बॉडी पर जाल बुने होते हैं कुकून जैसे। आखिर इतना बड़ा जाल कौन बुन सकता है? ऐसी कौन सी आत्मा है या ऐसी कौन सी चुड़ैल है या ऐसी कौन सी चीज है जो ऐसा कर सकती है? चलिए जानते हैं। तो सीरीज की शुरुआत होती है 20 साल पहले कोयम्बटूर से 50 किलोमीटर दूर एक काफी बड़े जंगल थायनकाडु से, जहाँ पर हम जंगल में रहने वाले आदिवासियों को देखते हैं जो कि बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। और आज इनका कोई फेस्टिवल होता है, इसकी तैयारी में सभी लोग जुटे हुए होते हैं। फिर शाम होते ही सभी लोग तैयार होकर नाश्ते गाते हुए मजे से जुलूस निकालकर अपनी वन देवी की पूजा करने के लिए गुफा के अंदर जाते हैं। उनकी देवी का नाम होता है वनराची। ये सभी लोग रीति रिवाजों से पूजा करते हैं, फिर जल प्रसाद लेते हैं और वहाँ पर उन्होंने गड्ढे में ढेर सारी लकड़ियाँ जला रखी थी, जहाँ वो प्रार्थना करते हैं और एक के बाद एक सभी गांव वाले उस आग में कूद जाते हैं। तभी हमें एक पेड़ से एक औरत बाहर आती दिखती है जो कि लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और सर पर सींग थे और वनराची देवी की मूर्ति भी सेम ही थी, मतलब यही वनराची देवी थी, जो बाहर आते ही बहुत ही खौफनाक तरीके से दहाड़ती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद। इसी जंगल में कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स और रेंजर्स देखे जाते हैं जो कुल 30 लोग हैं। ये लोग यहाँ के जानवरों और जंगलों की प्रोटेक्शन करते हैं और जंगल बहुत बड़ा है और गार्ड्स बहुत ही कम, बजट कम होने की वजह से, जिस वजह से यहाँ कोई भी घुस जाता है, पार्टी करता है, कचरा फैलाकर चला जाता है। इसी वजह से एक हाथी के पैर में कांच घुस जाता है। फिर यहाँ रेंजर्स ऑफिसर सत्या और उसकी टीम डॉक्टर लेकर आते हैं ताकि वो हाथी का इलाज करवा पाए। वो जानवरों की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं की परमिशन से ही जंगल में काम करते हैं। फिर सत्या अपनी साथी इरफान और पुण्यता से ये कहता है कि हमें और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है और किसी की भी रिजर्व फॉरेस्ट में आने पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। तब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर रात में हम रॉबर्ट नाम के एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को जंगल में डर से यहाँ वहाँ घूमते हुए देखते हैं, जो कि रास्ता भटक गया था कि तभी वनराची उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर डर से उसकी आत्मा तक कांप जाती है। फिर अगले दिन सत्या और उसकी टीम पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पेड़ के ऊपर लटकी हुई मकड़ी के जाल से बुनी हुई रॉबर्ट की लाश मिलती है, जिसको देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी खतरनाक चीज नहीं देखी थी। अब कुछ ही दिन बाद अयनर नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसकी दादी अभी अभी एक्सपायर हुई है और उसने लव मैरिज की है, तो सबको ये लगता है कि वो लड़की ही ठीक नहीं है और उसके पेरेंट्स भी लड़की को वापस घर ले जाने से मना कर देते हैं, जिससे वो टेंशन में आ जाता है। साथ ही साथ उसको ये लगा था जो रॉबर्ट वाला केस है यानी थायनकाडु वाला केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे मिलेगी और उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन अब चेन्नई से कोई दूसरा ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहा है, जिससे उसका मूड और ज्यादा खराब और चिड़चिड़ा हो जाता है। अब वो और उसकी पार्टनर चित्रा क्राइम सीन पर जाते हैं, जहां पर उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर ऋषि मिलता है, जिसके नाम पर इस सीरीज का नाम पड़ा है। फिर ऋषि उन दोनों से अपने ऑब्जर्वेशन बताने को कहता है, जिस पर अयनर और बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो ऋषि उससे कहता है कि वो अपने तरीके से काम करता है और उसके तरीके उसे अजीब भी लग सकते हैं, तो अगर उसे कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन अयनर यहाँ से नहीं जाता और क्राइम सीन के बारे में बताने लगता है और कहता है कि जब वो यहाँ पर आया था तो उसने देखा कि रॉबर्ट की बॉडी मकड़ी के जाल से बुनी हुई एक कुकून की तरह पेड़ पर लटकी हुई है, ऐसा एक कीड़े करते हैं, लेकिन वहाँ आसपास ऐसी कोई चीज उन्हें नहीं मिली। फिर वो सोचते हैं कि सारे कीड़े कुकून बनाकर चले क्यों गए और रॉबर्ट की बॉडी देखकर पता चला कि वो खुद पेड़ पर तो नहीं चढ़ सकता, बल्कि किसी ने उसे वहाँ पर उस पोजीशन में रखा है ताकि सब उसकी डेड बॉडी को देख सके, मतलब ये एक मर्डर है। फिर चित्रा अब ये बताती है कि रॉबर्ट का बैग पास में ही पड़ा हुआ था, जिसके अंदर कैश और महंगी चीजें सेफ है, इसका मतलब उसे चोरी के इरादे से नहीं मारा गया। और यहाँ पर सभी जगह पीले कनेर के फूल पड़े हुए हैं, लेकिन 3 किलोमीटर तक उनका कोई पौधा नहीं है। ये काफी अजीब बात है। और एक खास बात ये भी है, जो पीले कनेर के फूल होते हैं वो जहरीले होते हैं, जिनसे हार्ट अटैक आ सकता है और उनके हिसाब से मौत का यही कारण है। और अब ऋषि रॉबर्ट का कॉटेज देखने जाता है और सत्या से कुछ पूछताछ करता है, जो बताता है कि रॉबर्ट यहाँ पर पिछले 2 महीनों से रुका हुआ था और वो दिन में ही जंगल में जा सकते हैं, लेकिन रात में वहाँ पर जाना मना था और अभी यहाँ गार्ड्स कम है इसलिए सब जगह नजर भी नहीं रख सकते। जिस पर ऋषि कहता है कि उसे अभी फॉरेस्ट गार्ड से बात करनी है,
किसी ने तो रॉबर्ट को देखा होगा। फिर इसी बीच वो अपनी टीम को आगे के इंस्ट्रक्शन देता है, जहां पर अयनर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो अपनी टीम के साथ उन लोगों से पूछताछ करता है जो कि कभी रॉबर्ट से मिले होंगे। फिर उसे पता चलता है कि अब्दुल नाम का वेटर उसे उस दिन मिला था। और यहाँ भी अयनर और चित्रा ही भागदौड़ में लगे होते हैं। इधर अब्दुल भागता है, जिसे वो लोग पकड़ ही लेते हैं और धमकाकर पूछताछ करते हैं। फिर वो बताता है कि रॉबर्ट रात में जंगल गया था एक उल्लू की फोटो क्लिक करने, और वो भी उसके साथ गया था। फिर उन्हें अचानक से एक अजीब सी आवाज आई, जो ना ही किसी जानवर की थी, ना ही चिड़िया की, ना ही किसी इंसान की, जिससे वो थोड़ा सा डर गए थे। लेकिन रॉबर्ट उस आवाज की ओर जाने लगता है तो उसको वनराची दिखाई देती है, यानी कि वनराची की आत्मा, जो कि एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी और उन्हें गुस्से से देख रही थी, जिससे डर कर वहाँ से भागने लगा और रॉबर्ट पीछे ही रह गया। अब इसी बीच हम दो गार्ड सेल्वी और कैथी को देखते हैं, जो कि पेट्रोलिंग पर निकली थी, और सेल्वी को अचानक से पीरियड्स हो जाते हैं तो वो चेंज करने के लिए जाती है। और फिर थोड़ा रुक कर वो आगे जाते हैं तो रास्ते में भालू वाले ट्रैप्स लगे हुए होते हैं, जिसमें सेल्वी का पैर फंस जाता है, जिसके लिए सेल्वी हेल्प कॉल करती है और निकलने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। और अब यहाँ पर सेल्वी के सामने अचानक से वनराची आ जाती है, जिसे देखकर वो डर से चिल्लाने लगती है, और कैथी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आने लगती है, लेकिन वो फिसल कर गिर जाती है। और वहीं वनराची धीरे धीरे सेल्वी के पास आ रही थी, और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले चेन्नई से, जहां पर ऋषि एक लड़की को सीरियल किलर से बचाता है, साथ ही साथ उस किलर को अरेस्ट भी कराता है। और अब डिपार्टमेंट उसके बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे कि क्या उसे नया केस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और डिस्कशन की वजह ये है कि 3 साल पहले एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, जिससे वो खुद को बाहर निकाल रहा है। और बात ये है कि उसकी एक आंख नकली है, मतलब ये कि वो बस एक ही आंख से देख सकता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां सत्या केथी और सेल्वी से बात करता है, जहां पर केथी कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन सेल्वी बताती है कि उन्होंने वनराची को देखा था और उसे वनराची की कहानियां झूठी लगती थी, लेकिन उसने सामने से उसे देख लिया, जिससे कि वो डरी हुई थी। फिर हम फ्लैशबैक में ये देख पाते हैं कि वनराची उन दोनों के पास आकर खुद ही दूर चली जाती है। वहीं इरफान उसे ये कहता है कि उसे ये बात ऋषि और उसकी टीम को बतानी चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। लेकिन अब ये बात तो वैसे भी पूरे इलाके में फैल जाएगी कि तभी हम ऋषि और उसकी टीम को हॉस्पिटल में देखते हैं, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनको ये बताती है कि रॉबर्ट पूरी तरह से हेल्दी आदमी था, इसे कोई भी बीमारी नहीं थी और उसकी बॉडी अकड़ी हुई मिली थी। तो जैसा चित्रा ने बताया कि उसके आसपास पीले कनेर के फूल मिले थे, लेकिन शॉकिंगली उसके खून में कोई भी जहर नहीं था। साथ ही साथ जंगल में कई तरह के टॉक्सिक सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम डेड भी हो जाता है, लेकिन वो भी उसके ब्लड में नहीं था। साथ ही उसके ऊपर जो बुना हुआ जाल कुकून जैसा है, उसे किसी आदमी ने बाहर से बनाकर उसमें बॉडी को नहीं रखा है, वो पूरी तरह से नेचुरल था। फिर रिकन्फर्म करने के लिए रॉबर्ट की बॉडी को दिल्ली भी भेजा गया, जहां पर उसकी ऑटोप्सी हुई और रिपोर्ट बिल्कुल सेम आई थी। अब ऋषि अयनर और चित्रा से कहता है कि वो लोग बिल्कुल ऐसे ही हादसे की पड़ताल करें जो कि पहले भी हुई हो, क्योंकि उसे ये सीरियल किलिंग वाला एंगल लग रहा है, जिसमें पहले भी ऐसा हुआ होगा या फिर ये केस पहला है और आगे भी ऐसे मर्डर्स होंगे, क्योंकि एक खून करने के लिए कोई इतनी मेहनत तामझाम क्यों ही करेगा। अब ये तीनों DFO से मिलने जाते हैं और सत्या उनकी मीटिंग अरेंज करवाता है, और बातों ही बातों में बोलता है कि उसे यहाँ पर 4 साल हो चुके हैं और अब वो एक रेंजर ऑफिसर, और यहाँ पर इरफान को भी 30 साल हो चुके हैं, जो कि फॉरेस्टर है। जिसके बाद वो DFO से मिलते हैं, जिन्होंने ऋषि के कहने पर पहले ही चीजें चेक कर ली थी। तो एक्चुअल में 5 साल पहले बाला नाम का एक ट्रक ड्राइवर था जो यहाँ से गुजर रहा था, जिसका ट्रक विंडशील्ड को तोड़कर आगे वाले पेड़ से टकराता है और टहनियाँ उसके आर पार निकल जाती हैं, जिसकी मौत इंजरी से हुई थी। तो किसी ने उसके अंदर मर्डर का एंगल नहीं देखा, इवन उसकी बॉडी भी कुकून में ही मिली थी, और ऐसा कुकून कीड़े अपने शिकार के लिए बनाते हैं, लेकिन इंसान पर वो कुकून पहली बार देखे गए थे। और एक रात में ऐसा कुकून बना पाना बहुत ही अजीब बात थी, यानी कि छोटे छोटे कीड़ों को फंसाने के लिए ऐसा किया जाए तो अलग बात है, बहुत ही छोटा सा बनता है, लेकिन एक इंसानी कुकून बनाना बहुत ही बड़ी बात थी, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक। अब हम सेल्वी को देखते हैं, जो कि डर के मारे अपने घर चली जाती है, और कैथी को भी चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो शुरुआत से ही अनाथ है तो किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तभी वो चर्च में जाती है और फिर अनाथालय जाती है मदर लियाना से मिलने, लेकिन वो हॉस्पिटल में थी तो वो वहाँ जाकर उनसे मिलती है और काफी इमोशनल हो जाती है। तभी ऋषि और उसकी टीम बाला की फैमिली और उसके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि एक हफ्ते पहले से वो काफी परेशान रहने लगा था, यानी अपनी मौत से पहले उसे लाल साड़ी वाली आत्मा
सपने में डराती थी, यहाँ वहाँ सब जगह जंगल में दिखाई देती थी, उसका पीछा करती थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। और एक हफ्ते बाद पूजा भी करवाने वाला था, लेकिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया था, जो कि ना नशा करता था, ना ही लड़ाई झगड़ा, ना ही ट्रक में कोई दिक्कत थी, और वो नया भी नहीं था, उसे सालों का एक्सपीरियंस भी था, इसलिए सब उसके एक्सीडेंट से काफी शॉक थे। और वो एंड तक बोलता रहा कि जंगल में कोई आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, उसे पागल समझ रहे थे या फिर ये सोच रहे थे कि वो सोया नहीं है इसलिए। फिर इस टॉपिक पर तीनों ही एक एक्सपर्ट की वीडियो भी देखते हैं, जो कि ये बताता है कि प्राकृतिक आत्माएं भी होती हैं, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और जंगल, जिन्हें कई कल्चर में पूजा जाता है, पर हर बार इन्हें श्रद्धा से ही नहीं पूजा जाता, कभी कभी डर से भी लोग इन्हें पूजते हैं, क्योंकि सब प्योर नहीं होते, कुछ शैतानी आत्माएं भी होती हैं, जो कि प्रेत, पिशाच की तरह इंसानों को डराती और नुकसान पहुंचाती है। और ऐसी ही आत्मा है वनराची, जो कि जंगल की आत्मा है, उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए उसका नाम वनराची पड़ा है, यानी कि वन मतलब जंगल और राची ये आत्मा का नाम है। तभी हम ऋषि को उसके क्वार्टर में देखते हैं, जिसकी आंख में काफी दर्द होने लगता है और वो दर्द से परेशान हो जाता है, साथ ही साथ उसको एक औरत का भूत डराने लगता है, जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी हम एकम्बरम नाम के कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं, जो कि जंगल के पास कुछ काम करवा रहा था, लेकिन अब गांव में वनराची की बातों से डर का माहौल बन चुका था और बहुत से लोग काम पर भी नहीं आते, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और नए लोग बुलाने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हम उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संगीता को पास की ही एक लड़की धनम के साथ घर जाते हुए देखते हैं। धनम को काफी लेट हो चुका था, क्योंकि संगीता अपना चेकअप करवाने लग गई थी। तभी उन्हें एक बूढ़ी महिला देखकर समझ जाती है कि अभी वनराची जंगल में घूम रही है, तो उनको देर रात बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वनराची अपनी उम्र से पहले ही मारी गई थी, जो कि कभी भी माँ नहीं बन पाई और उसे माँ बनने का सुख भी नहीं मिला। तो प्रेग्नेंट लेडीज के पास आती है और उनका बच्चा ले जाती है। इससे बचने के लिए संगीता को लोहे की कोई नुकीली चीज अपने पास रखनी चाहिए। फिर अब वो दोनों आगे चली जाती है और थोड़ी दूर से ही संगीता को अकेले घर जाना था, जो कि अपने साथ एक कील ले जाती है और उसको वनराची दिखाई भी देती है, जिससे बहुत ज्यादा डर जाती है वो और भागकर अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके घर का दरवाजा कोई बहुत तेज से खटखटाने लगता है। अब वो वनराची से उसके बच्चे को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि वनराची दरवाजे से दूर हो जाती है, लेकिन घर के ऊपर चढ़कर उसके पति एकम्बरम के रूम में चली जाती है। संगीता बाहर से उसकी चीख सुन पा रही थी और जैसे ही वो अंदर जाती है कि वो छत टूटी हुई होती है और उसका पति गायब था, जिससे घबराकर वो वहीं बेहोश हो जाती है और एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत एकम्बरम के साथ ही होती है, जो कि जंगलों में एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था और उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी, लेकिन अब उसके सामने वनराजी आती है, जिसके करीब आते आते उस पर हमला कर देती है। तभी हम ऋषि और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि संगीता के घर इन्वेस्टिगेशन करने आए थे और अभी संगीता हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसकी हालत काफी क्रिटिकल, तो वो बयान भी नहीं दे सकती थी। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते वो यही बोल रही थी कि वनराजी उसके बच्चे को लेने आई थी, लेकिन पति को लेकर चली गई। ऋषि ऑब्वियसली इन बातों को नहीं मानता था और वो अपनी एक थ्योरी रखता है कि ये कोई किडनैपिंग है, जिसके अंदर संगीता का पीछा बस ध्यान भटकाने के लिए किया होगा और किडनैपर्स पहले से ही घर के अंदर बैठे होंगे, क्योंकि कुछ ही सेकंड में छत तोड़कर अंदर आना और वहां से एकम्बरम को ले जाना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो डॉग स्निफर्स की मदद से जंगल में सर्चिंग करते हैं, तो डॉग्स एक जगह आकर रुक जाते हैं और अनकंफर्टेबल होकर भौंकने लगते हैं और तभी अचानक वनराची की दहाड़ को सुनते हैं, जिससे वो दोनों डॉग्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था किसी को भी समझ में नहीं आता, लेकिन सभी लोग अलर्ट हो गए थे क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। अब ऋषि आगे बढ़ता है तो उसे एकम्बरम की कुकून में बंद लाश मिलती है। अब लोग बॉडी को इनिशियल ऑब्जर्वेशन पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं और बताती हैं कि ये बॉडी भी सेम रॉबर्ट की बॉडी की तरह ही अकड़ी हुई है, हाथ पैर भी एक जगह पर सेट हो गए हैं। फिर अचानक उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो नोटिस करते हैं कि उसके गले के अंदर मूवमेंट हो रही है, और तभी यहाँ पर एकम्बरम के मुंह से कीड़े बाहर आते हैं और ऋषि एक कीड़े को पकड़ लेता है और उसे एक्सपर्ट के पास ले जाता है और वो एक्सपर्ट उसे बताता है कि ये प्रेइंग मेंटस की फैमिली से ही आते हैं और सबसे अच्छा सिल्क भी यही बनाते हैं। फिर ऋषि पूछता है कि ये डेड बॉडी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो ये पता करने के लिए एक्सपर्ट को उन पर टेस्ट और स्टडी करनी होगी, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगता। आगे ऋषि ये भी पूछता है कि क्या इन कीड़ों को कोई कंट्रोल करके ऐसा कर सकता है, जिस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट में फायर, साउंड, विंड जैसों से इन्हें कंट्रोल करके सिर्फ आगे या पीछे मूव कराया जा सकता है और खुले जंगल में इनके जाल बुनवा देना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा केस उन्होंने पहली बार देखा।
अब इसी बीच अयनर भी चित्रा से बोलता है कि ये चीजें अब उसे भी अजीब और सुपर नेचुरल लगने लगी हैं। अब ये तीनों ही डीएसबी से मिलने जाते हैं और ऋषि ये कहता है कि उसके हिसाब से ये एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों का काम है और तीनों खून सेम ही टीम ने किए हैं, क्योंकि बॉडी की कंडीशन, उसकी हालत और आसपास पड़े कनेर के फूल सेम है और ये लोग काफी ज्यादा ही इंटेलिजेंट भी हैं, जो वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं और वो बॉडीज को सामने छोड़ते हैं ताकि उन्हें देखा जाए। फिर वो कहता है कि उनका ही कोई आदमी ये वनराची का रूप बनाकर घूमता होगा ताकि लोग डर जाएं इस पुरानी कथा से और उनका प्लान फेल ना हो जाए। और शायद वो कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं सबको, कि तभी हम एक और कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम मंगई है, जो कि एक औरत है जो कि अपनी दुकान चलाती है और वनराची डॉल्स भी बनाकर बेचती है। तभी जया नाम की एक बच्ची को वो डॉल काफी पसंद आ जाती है, जो कि मंगई उसे देने लगती है, लेकिन जया की माँ उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है और वहाँ वो डॉल नहीं लेने देती। वो घर तो आ जाती है लेकिन जया काफी अजीब बिहेव करने लगती है, कभी काफी देर तक जंगल को देखती रहती है तो कभी अचानक गायब हो जाती है और किसी से बात भी नहीं करती और उसकी माँ भी इस बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी हम ध्यान देते हैं कि इसके पास वही वनराची वाली डॉल है जिसकी वो बात कर रही थी। तभी वनराची की भयानक आवाज से जया की माँ की नींद खुल जाती है और वो अपने पति को जगाती है। अब वो लोग यहाँ वहाँ देखते हैं तो हलचल भी शुरू हो जाती है, जिससे दोनों और ज्यादा डरने लगते हैं और उसके पापा को वो डॉल मिल जाती है और ये देखते ही वो समझ जाता है कि इसी में कोई दिक्कत है और वो उसको सीधा जला देता है। हालांकि उसकी वाइफ उसको रोक रही थी लेकिन वो नहीं मानता। उसके बाद वनराची को जंगलों में अपने शिकार के लिए तैयार करते हुए दिखाया जाता है। वहीं एक भयानक सपने से ऋषि की भी नींद खुल जाती है और वो हर बार की तरह उसे दवाइयां लेनी पड़ती है, यानी उसे नाइटमेयर्स आया करते थे। इसी बीच हम अयनर और चित्रा की लाइफ को भी देख पाते हैं, जहां अयनर ने यमुना से लव मैरिज की थी लेकिन उसकी कुंडली ठीक नहीं थी, ऐसा कहकर अयनर के पापा ने उसे घर से निकाल दिया और अब अपने पापा के पास रहती है, जो उससे बात तक नहीं करती, उसकी माँ भी नहीं है, इसलिए तरस खाकर उसके पापा ने उसे रख लिया। अब अयनर उसको मनाने जाता है और पूजा कराने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। और यहाँ चित्रा के घर वाले उसकी शादी कराना चाहते हैं और लड़का देख चुके हैं जिसको चित्रा भी पसंद करती है, लेकिन फिलहाल वो शादी नहीं करना चाहती। चित्रा और अयनर इसलिए भी अच्छे दोस्त हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं और समझाते हैं। तभी हम ऋषि को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में ही सोच रहा था और हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड विजी के साथ रहता था और उसे किसी प्रोजेक्ट पर जाना था, तो वो उससे यही बात करता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो मूव ऑन कर ले, शादी कर ले, लेकिन वो साफ मना कर देती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और अब वो बोलती है कि अगर वो मर गई तो क्या होगा, और मजाक में वो ऐसा कहती है कि वो उसको भूत बनकर डराएगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो औरत भूत उसे डराती है वो कोई और नहीं बल्कि विजी ही है, यानी उसकी आत्मा है। उसको देखते ही ये समझ आ रहा था कि उसका अंजाम जो भी रहा होगा बहुत ही भयानक होगा। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। अब एपिसोड 4 शुरू होता है मंगई को दिखाते हुए अपनी शॉप को रात में बंद करके घर जाने लगती है, लेकिन रास्ता सुनसान था तो कोई उसका पीछा करने लगता है, जिससे डर कर वो जल्दी जल्दी भागकर अपने घर आ जाती है, लेकिन वो आदमी उसके घर तक आ चुका था। और अब मंगई को वनराची की आवाज़ सुनाई देती है और अब जब वो आदमी उसको घर में झांक कर देखता है तो वो नाजुक हालत में पड़ी होती है, जिसको देखकर वो डर के वहां से भाग जाता है। तभी हम सत्या को देखते हैं जो इरफान के घर खाने पर जाता है और उनके बीच बहुत अच्छा रिलेशन है, इरफान के बच्चे भी उसे मामा कहकर बुलाते हैं। तभी हमें ऋषि को दिखाया जाता है जो कि अयनर के साथ काड़ू जा रहा था कि केस के सिलसिले में कुछ दिन उन लोगों को वहीं पर रहना होगा और चित्रा थोड़ा सा पेपर वर्क खत्म करके आएगी। अब रास्ते में अयनर ऋषि से पूछता है कि क्या वो भूतों में मानता है। इस पर ऋषि कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम जानते हैं कि उसे विजी की आत्मा दिखती है, पर ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो दवाई लेता है। तभी अयनर ये बताता है कि उसने डेमी गॉड्स और असुरों पर रिसर्च की है, तो दुनिया भर के सभी कल्चरल सिविलाइजेशन में एनिमल से जुड़ी हुई भी स्पिरिचुअल बिलीफ्स हैं, जैसे ग्रीक गॉड जूस के साथ इविल का होना, इजिप्टॉम्स में कैट का होना, जापानीज में स्नेक्स और फ्रॉग्स, और इंडियन गॉड्स के साथ भी कोई ना कोई एनिमल होता है, वैसे ही वनराची के साथ होते हैं वेब स्पिनर कीड़े, और जब वनराची किसी को मारती है तो वेब स्पिनर्स उसके ऊपर कुकून बना देते हैं जो कि फाइनल एक्ट या फिर कर्म फल जैसा है। ये सब बात सुनकर ऋषि उस पर भड़क जाता है और कहता है कि ये सब वो केस में फाइल नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, और हम एक मिस्ट्री के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल साइंटिफिक रीजन जरूर होता है जिस तक उन्हें पहुंचना है बस। वो दोनों ही जंगल के गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें सत्या गेस्ट हाउस में रहने के लिए अरेंजमेंट करवा कर देता है। जंगल में उसे किसी की असिस्टेंस भी चाहिए होगी तो वो कैथी को ही उसका असिस्टेंट बनाता है, जो कि यहीं पर रहकर उसे जंगल विजिट और दूसरी चीजों में हेल्प करेगी। इसी बीच ऋषि सत्या से सेल्वी के बारे में पूछता है कि उसे
रांची दिखाई दी थी तो ये बात सत्या ने उसे पहले क्यों नहीं बताई। इस पर वो कहता है कि सबको ही वन रांची दिखाई दे रही है और उसे यकीन नहीं होता। अब रात को हम अय्यनर को देखते हैं जो कि यमुना को कॉल करता है उसे मनाने के लिए और काफी इमोशनल हो जाता है और यमुना भी उससे अलग होकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो रोज रो रही थी। वहीं हम चित्रा को भी देख पाते हैं जो कि असल में एक लड़की को पसंद करती है जिसका उसे कॉल आता है और वो दो दिन के लिए कोयम टूर पर आ रही थी तो उसके घर पर रुकने के लिए पूछती है जिस पर ऑब्वियसली चित्रा मान जाती है। अब अगले सीन में ऋषि और अय्यनर विजिट पर निकलते हैं जहाँ ऋषि कहता है कि वो किलर्स अब कहीं भी किसी को भी मार सकते हैं और उन्होंने एकम्बरम को जंगल में रखा क्योंकि वो दिखाना चाहते होंगे कि इसका कनेक्शन भी इसी जंगल से है। तभी कैथी उन लोगों को एकम्बरम की कंस्ट्रक्शन कंपनी ले जाती है और ऋषि उससे बात करते हुए पूछता है कि उसने भी सेल्वी के साथ वन रांची को देखा था लेकिन वो कहती है कि वो कोई जानवर रहा होगा यानी वो इस बात कुछ भी नहीं कहती। अब वो लोग एकम्बरम के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां पर ऋषि को उसका सीक्रेट ड्रॉर मिलता है जिसमें उसका दूसरा फोन भी छुपा था। अब वो लोग उस रोड को देखते हैं जिसका काम बंद हो चुका था और ये रोड जंगल काट कर बनने वाली थी। अब वो लोग थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यहाँ पर एक ब्लैक पैंथर निकलता है जिससे कैथी ऋषि को छुपा लेती है और वो उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था। अब तभी माहौल को सेट करने के लिए बारिश होने लगती है लेकिन तभी वो अपनी नकली आँख साफ करने लगता है यानी उसके रोमांस के बीच उसकी नकली आँख आ गई जिससे कैथी को उसकी एक आँख के बारे में पता चल जाता है। फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि संगीता का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया था और अब वो गहरे सदमे में है और हम नोटिस करें तो वनराची बच्चा लेने ही आई थी और ले जा चुकी है। तभी ऋषि वापस गेस्ट हाउस आ जाता है जहां पर उसे फिर से पास की बातें याद आने लगती हैं जहां पर उसका उसकी गर्लफ्रेंड विजी से ब्रेकअप हो गया था और वो उसको अवॉइड कर रहा था लेकिन वो उससे दूर नहीं रह सकती थी तो वो उससे मिलने के लिए कहती है और ट्रैफिक में जाकर खुद को खत्म करने की धमकी भी देती है। और अब फिर से ऋषि का माइग्रेन उसे परेशान करता है और कैथी वहां आ जाती है खाना लेकर और वो उसकी आंख के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि एक मिशन के दौरान गोली उसकी आँख को छूकर निकल गई थी जिससे वो उस आँख से अंधा ही हो गया था लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को ट्रेन किया एक आँख के सहारे। अब वो लोग थोड़ी और बात करते हैं और हम जान पाते हैं कि वो तो कैथी को पसंद करने लगा था। तभी हम जया के पापा रति राम को देखते हैं जो अपनी चाय की फैक्ट्री में था। तभी उसकी बीवी का कॉल आता है जो कहती है कि उसने एक पंडित जी से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि उसे डॉल जलानी नहीं चाहिए थी और उनको आज ही ये विधि पूरी करनी होगी और वो जल्दी से घर आ जाए और वो घर के लिए निकलता है लेकिन अब तक वन उसके पास आ जाती है और अब आगे क्या होता है वी ऑल नो। इसके साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है सत्या से जो कि अपने घर पर कुछ चिड़ियों को खाना डालता है और एक नीला नाम की पक्षी उसकी पेट बर्ड भी है जो उसकी सभी बातें मानती है। अब वो अपनी टीम के साथ जंगल में जाता है क्योंकि वहां पर आजकल बहुत सारे ट्रैप्स मिल रहे थे जो कि हंटर्स ने जानवरों को मारने के लिए लगाए हुए थे। हम जानते हैं कि यहां पर इलीगल तरह से काफी लोग आते रहते हैं तो उन्हें उन शिकारियों को ऐसा करने से रोकना था लेकिन तभी हम एक शिकारी को देखते हैं जिसने आगे जंगल में अपना कैंप लगाया हुआ था और वो एक हाथी को भी मार चुका था जिसका वो सर काट रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब तभी हम ऋषि और उसकी टीम को देखते हैं जो कि रति राम की बॉडी को एग्जामिन करने आए थे जो कि पेड़ से उसी कुकून वाली हालत में उनको मिलती है। इसके बाद में ऋषि और अय्यनर रति राम के भाई हंग रासू से बात करते हैं जो कि पेड़ से उसी कुकून वाली हालत में उनको मिलती है। इसके बाद ऋषि और अय्यनर रति राम के भाई थंग रासू से बात करके उससे पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि वो कल दूसरे शहर में था लेकिन उसकी आवाज में एक घबराहट थी मतलब वो कुछ तो छुपा रहा था। इसी बीच उसे शिकारी का कॉल आता है जो उससे किसी काम के पैसे मांगता है और ना देने पर गलत होगा ऐसा कह के धमकी देता है। ऋषि अब रति राम की कार को भी चेक करता है जिस पर उसे एक बड़ा सा बाल मिलता है जिसे वो लैब में भेज देता है और आगे हमें जंगल में कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है जिन्हें कैमरास टूटे हुए मिले थे जिन्हें वो सत्या के पास लेकर जाते हैं और जहां पर सबके मेमोरी कार्ड भी टूटे हुए थे जिसमें एक सही भी था। उसको चेक करने पर लास्ट फुटेज उनमें मिल जाती है जिसमें उन्हें पेड़ से नीचे आती हुई वनराजी दिखाई देती है और तभी वो कैमरा भी खत्म हो जाता है। अब आखिर वनराजी कैमरास को क्यों खराब करेगी उसे कैमरा से क्या डर होगा पर यहाँ गड़बड़ कुछ ना कुछ तो है। तभी हम ऋषि और उसकी टीम को देखते हैं जो रति राम के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने गए थे और यहाँ उन्हें रिचुअल के बारे में तो पता चलता ही है साथ ही साथ रति राम को बस वनराजी डॉल से ये लग रहा था कि जैसे किसी ने उस पर काला जादू किया
दिया था क्योंकि वो इनमें काफी ज्यादा मानता था और इसलिए ही उसने वनराची डॉल को जला दिया। अब ऋषि यहाँ उसकी बेटी जया को नोटिस करता है जो कि गार्डन में उसकी डॉल को गाड़ रही थी और वो ये बताती है कि उसके पापा ने वनराची को जला दिया जबकि माँ कह रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इसलिए गुस्से में वनराची उसके पापा को ले गई। इसलिए वो उसको यहाँ पर गाड़ रही है जिससे वो उसकी पूजा करेगी जिससे कि वनराची का गुस्सा शांत हो जाएगा। अब वो अपनी टीम के साथ मंगई के घर जाता है और वहाँ पर छानबीन करता है तो उसे वनराची की कॉस्ट्यूम मिल जाती है। अब वो इंटरोगेशन के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और यहाँ पर वो उसके ऊपर लगे हुए खून के इल्जाम को सीधा नकार देती है और वो किसी भी मरने वाले को नहीं जानती थी और वो ये भी बताती है कि वो अपने पेरेंट्स से भी अलग रहती है और अपनी मेहनत से उसने शॉप शुरू की है। हालांकि वो एक लौती है जो कि वनराची डॉल्स बनाती है। वो आगे बोलती है कि जया एक दिन पहले अकेले आकर वो डॉल लेकर गई थी और रही बात उस कॉस्ट्यूम की तो वो एक थिएटर ग्रुप में जुड़ी हुई है। वनराची थीम डांस होने वाला है जिसके अंदर वो मेन लीड रोल में है और वो कॉस्ट्यूम उसी के। तभी ऋषि को माइग्रेन होता है और विजी की आत्मा उसे परेशान करने लगती है जिसके बाद वो सत्या से मिलने जाता है। फिर उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है और वो कहता है कि ये नाटक कोई भी कर सकता है, ये झूठ फैलाने वाला इंसान भी हो सकता है, जरूरी नहीं वनराची हो। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि वनराची बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर पेड़ से उतर रही थी और ऐसा करना इंसान के बस की तो नहीं है। अब वहाँ पर रस्सी बांधकर रखी होगी ये बात अलग है। तभी हम कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें रॉबर्ट एक सेल्वम नाम के आदमी से सारी बकरियां खरीद रहा होता है और बकरियों को इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमारी कहानी से कैसे जुड़ी ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अब सेल्वम कुछ टाइम से बाहर था जिस वजह से यहाँ क्या हुआ उसे पता नहीं था और जब वो वापस आया तो ये सब जानकर काफी परेशान हो गया। तभी हम गांव के मुखिया कालिया पेरूमल को देखते हैं जिनसे वो कुछ बात करता है लेकिन ऋषि को देखकर वहां से चला जाता है। अब कालिया पेरूमल मंगई के पापा हैं जिनसे ऋषि बात करने आया था। वो बताते हैं कि थिएटर और ड्रामा जैसी चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते और मंगई वहीं पर जाना चाहती थी जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो अब रेप्यूटेशन का सोच रहे थे। और इसी बीच उन्होंने 6 साल पहले 19 की उम्र में ही उसकी शादी करा दी थी लेकिन मंगई का हस्बैंड बहुत ही लड़ाकू था तो वो उससे अलग हो गई। लेकिन अपने पेरेंट्स से भी उसने नाता तोड़ दिया। यहाँ पर अब अयनर और चित्रा थिएटर ग्रुप में भी कंफर्म करते हैं कि वहाँ पर वाकई में वनराची थीम ड्रामा होने वाला था और वो एक ट्रांस ग्रुप करवा रहा था क्योंकि जैसे उन्हें समाज में जगह नहीं मिलती वैसे ही वनराची को ना ही स्वर्ग में जगह मिली ना ही इंसानों के बीच। तभी ऋषि इस केस के बारे में सोचता हुआ जॉगिंग कर रहा होता है कि तभी उसे कैथी मिलती है और ऋषि के ऊपर एक बग आ गया था जिसे वो हटाने लगती है कि तभी ऋषि विजी की गुस्से से भरी आत्मा देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कैथी को वहां से भगा देता है जिसके साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 शुरू होता है ऋषि के फ्लैशबैक से जहां पर वो कुछ टाइम से विजी से दूर दूर रह रहा था और एक दिन वो उससे माफी मांगने के लिए पब में आ जाती है और वो उससे बात करके माफी मांगती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है लेकिन वो बोलता है कि वो यहां से चली जाए क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन वो तो अपने इमोशंस में गुम थी, उसकी कोई बात नहीं मानती। एक्चुअल में ऋषि यहां किसी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए आया था लेकिन बस एक गलती से वहां शूट आउट शुरू हो जाता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन ऋषि की फिक्र करते हुए विजी भी वापस अंदर आ जाती है जिसे वो बाहर भेजने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच उसे गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और एक गोली ऋषि की भी आंखों को छू जाती है जिससे उसकी आंख डैमेज हो जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हम चित्रा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड हीरा को पिक करने के लिए जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और हम जानते हैं कि वो हीरा को पसंद करती है। इधर यहाँ अयनर का भी कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है, वो यमुना को बोल देता है उससे डाइवोर्स ले सकती है। अब इसी बीच ऋषि को सत्या का कॉल आ जाता है और उसको खबर मिलती है कि कैथी अपनी फ्रेंड गार्ड के साथ पेट्रोलिंग पर गई थी जिसे शाम को ड्यूटी रिपोर्ट करनी थी लेकिन अब तक रात हो चुकी है लेकिन दोनों का ही कोई अता पता नहीं है। ऋषि जल्दी से सत्या के पास आता है और वो सब यहाँ वहाँ ढूंढते हैं तो उनको वो बेहोश गार्ड तो मिल जाती है जिसके पास फोन पड़ा हुआ था जिसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो उसमें ये था कि गार्ड कैथी को मजाक में टीज कर रही थी कि वो ऋषि को पसंद करने लगी है। लेकिन तभी वहाँ पर वनराची आ जाती है जिससे डर कर वो लोग भागने लगती हैं तो वो गार्ड तो गिर कर बेहोश हो जाती लेकिन वनराची कैथी को खींचकर अपने साथ ले जाती है। अब वो सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं तो वो ऋषि को मिल जाती है जो एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी हुई थी जिस पर वेब स्पिनर्स घूम रहे थे और लगभग पूरा कुकून बना चुके थे। लेकिन ऋषि उसे बाहर निकाल कर होश में लाता है जो कि बच तो गई थी लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तभी उसे गेस्ट हाउस लाया जाता है जहां पर डॉक्टर्स उसे दवाई देते हैं और ऋषि उसे बात करने जाता है जो बताती है कि उसे वनराची की आवाज सुनाई दी थी, कैसे वो उसे खींचकर ले गई थी जिससे वो बेहोश हो गई थी और पेड़ के पास कनेर के फूल
फूल की स्मेल से उसको होश आया तो उसने अपने सामने एकदम करीब से वनराची को देखा, जिससे वो अंदर तक हिल गई और बेहोश हो गई, जिसको ऋषि ने बचाया। तभी ऋषि कहता है कि वो शॉक्ड में है और ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ और होगा, जिस पर यहाँ वो कहती है कि वो सच बोल रही। और ऋषि ये बात को समझे क्योंकि वो जानती है कि वो भी किसी को देख सकता है और वो जानना चाहती है कि वो क्या देखकर बेचैन हो जाता है। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड विजय की कहानी उसे बताता है कि असल में विजय उसके सीनियर की बेटी थी जो कि एक फोटोग्राफर भी थी और उसका नेचर काफी अलग, काफी फ्रेंडली था। फिर उन्होंने सगाई भी कर ली थी लेकिन फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती गईं क्योंकि ऋषि की जॉब बहुत ज्यादा जरूरी थी और उसका काम कुछ अलग टाइप का था और विजय का प्यार जो बहुत ही पोजेसिव नेचर का था वो कब टॉक्सिक हो गया उसको पता ही नहीं चला। वो उस पर शक करने लगी, उसका यकीन खत्म हो गया, जिससे ऋषि की जॉब पर बहुत फर्क पड़ने लगा। उनके बीच रोज झगड़े होते थे, कभी भी विजय शक में फोन चेक करती थी, कभी ऋषि के पेरेंट्स के सामने झगड़ा कर लेती थी और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि वो पुलिस स्टेशन तक आकर झगड़ा कर लेती थी और वो उसे सारी बातें पूछा करती थी। लेकिन ऑब्वियसली जॉब पॉलिसीज की वजह से उसे सब कुछ नहीं बता सकता था और जब वो नहीं बताता तो वो लड़ा करती थी और धीरे धीरे उसका हाथ भी ऋषि के ऊपर उठने लगा, जिससे कि वो अलग होने लगा था तो वो खुद को हर्ट कर लेती, जिससे वो और ज्यादा परेशान रहने लगा। और ऐसे ही एक दिन उस पब के अंदर शूट आउट हो गया जिसके अंदर ऋषि ने विजय को खो दिया, जिससे वो प्यार तो करता ही था और इसलिए वो मान नहीं पा रहा था कि वो मर चुकी है और वो हमेशा उसको दिखती थी और ये एक्चुअल में उसका ट्रॉमा है। विजय का अधूरा प्यार उसकी नफरत है जो कि उसकी आत्मा के रूप में उसे हमेशा डराती रहती है। वो कैथी को समझाता है कि उनका दिमाग उनको वही दिखाता है जो सच नहीं है और वो जो विजय को देखता है वो भी सच नहीं है, वैसे ही वनराची भी सच नहीं है, ये उन मर्डरर्स की बुनी हुई झूठी कहानी है जिसे वो एक दिन जरूर सुलझा लेगा। अब हम गाँव के अंदर एक लेडी को देखते हैं जिसकी नींद खुलती है तो उसकी बेटी तुलसी उसके बेड पर नहीं थी, जिसे वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है तो वो उसे घर के बाहर खड़ी मिलती है जिसके सामने वनराची खड़ी थी, जिसको देखते ही वो औरत डर से बेहोश हो जाती है, जिसके साथ एपिसोड से खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है तुलसी की फैमिली को दिखाते हुए, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे देख एक पुजारी को बुलाते हैं क्योंकि उसे वनराची ने पोजेस कर लिया था और फिर पंडित आकर अपनी प्रक्रिया शुरू करता है। लेकिन तब तक गाँव के कुछ लोग घर आ जाते हैं, वो ये सब रुकवा देते हैं और तुलसी को बीच चौराहे पर मारने के लिए ले जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से अगर ये ठीक नहीं हुई तो वनराची सबको जान से मार डालेगी और उनके पास मौका है कि वो पहले ही इसे खत्म कर दे। लेकिन मुखिया जी कालिया पेरूमल वहाँ पर आकर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुलसी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस दिमागी रूप से थोड़ी बीमार है जिसे इलाज की सख्त जरूरत है। फिर उसे छोड़ दिया जाता है लेकिन गाँव के लोग उनको यही कहते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उसकी कीमत पूरे गाँव को चुकानी पड़ेगी। कि तभी हमें चित्रा को दिखाया जाता है जिससे हीरा ये कहती है कि वो भी अब ये फील कर पा रही है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है और इस तरह से वो रिलेशन में आ जाते हैं। तो चित्रा बहुत खुश होती है और पुलिस स्टेशन में भी उससे बात करती है तो अयनर भी नोटिस कर लेता है। फिर वो पूछता है इसके बारे में लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी कि वो लेस्बियन है, तो वो चुप रहती है और वो ऋषि को बताती है कि जो बाल रतिराम की कार में मिला था वो मंगई की कॉस्ट्यूम से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था, उसकी ड्रेस से किसी विक्टिम का कोई भी डीएनए ट्रेस नहीं मिला, मतलब मौत के वक्त वो उनके आसपास भी नहीं थी। अब तभी उसकी बेल करवाने के लिए एक लॉयर और उसके पेरेंट्स आते हैं तो ऋषि उसे छोड़ देता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बस वो अभी गांव से बाहर नहीं जा सकती थी और उसके पेरेंट्स से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे तो वो उनसे भी बात नहीं करती और घर चली जाती। तभी ऋषि और उसकी टीम डिस्कशन करते हैं कि आखिर चारों विक्टिम में कॉमन चीज क्या है, क्योंकि अगर उनको केस को सुलझाना है तो कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये मर्डर रैंडम नहीं है और इनके पीछे कोई ना कोई इमोशन भी होगा, जिस पर अयनर ये कहता है कि उसे गुस्से का इमोशन दिख रहा है। और अब वो लोग उन चारों के बारे में और डिटेल्स निकालने लगते हैं और अयनर बाला की वाइफ रानी के ऊपर नजर रखता है। तभी उसे पता चलता है कि रानी को जब ये बात पता चली कि पुलिस बाला की वर्क हिस्ट्री निकाल रही है तो वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी और सुरीली नाम के एक आदमी से जाकर मिलती है और उस पर गुस्सा करती और अयनर बात नहीं सुन पाता लेकिन समझ पाता है कि आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाली हो रही है तो वो सुरीली का पीछा करता है। तो सुरीली जंगल के बीच से कुछ बॉक्सेस निकाल कर उनको शिफ्ट करने लगता है और अयनर के टिप पर सत्या उसका ट्रक रोक लेता है तो पता चलता है कि इनके अंदर हाथी के दांत, बाघ की खाल, हिरन के सींग और भी जानवरों के बेचने वाले बॉडी पार्ट्स हैं और सुरीली एक्चुअल में पोचिंग करता है जिसमें गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है, जबकि इस जंगल में शिकार करना इलीगल था। फिर मिले हुए सामान को सत्या और इरफान कहीं पर शिफ्ट कर देते हैं लेकिन वो दोनों भी थोड़े से परेशान लगते हैं, जैसे उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रही हो जो कि हम नहीं जानते थे। और अब ऋषि सुरीली से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि पोचिंग का नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है और बाला भी इसी धंधे में था जो कि जंगल से
सब्जियां और फल के बहाने से इलीगल एनिमल पार्ट्स यहां से वहां करता था। लेकिन अचानक से एक दिन उसने काम छोड़ने का फैसला कर लिया और ऊपर के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने उसे धमकी दी, जिस पर बाला ने पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बताने की धमकी दे दी। फिर अचानक से ही उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मारा गया, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि उसको मारा किसने। क्या ये पोचिंग वाले सीनियर लोग थे या फिर वनराची थी, ये कोई भी नहीं जानता। वहीं अब उसकी बीवी को अपना बेटा भी पालना था और अगर ये बात बाहर आती तो गांव वाले उसे जीने नहीं देते और इसलिए ही रानी को ये सारी बातें छुपानी पड़ी। अब ऋषि एक कोने में खड़ा था और उसकी टीम और चित्रा यही सब डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो बस सुनता रहता है कि पोचर ग्रुप ने ही ये सारे मर्डर किए हैं और थ्योरी ये बन रही थी कि बाला काम छोड़कर पुलिस के पास पहुंच जाता तो इसलिए उसको मार दिया गया। रॉबर्ट एक फोटोग्राफर था तो उसने उन्हें जंगल में देख लिया होगा और उनकी फोटो ले ली होगी तो उसको भी मार दिया होगा। वहीं एकम्बरम के ट्रक चलते हैं तो उसके पास परमिट था तो उसके ट्रक में माल यहां से वहां जाता होगा और आखिर रतिराम भी कोई एजेंट या क्लाइंट होगा। साथ ही साथ चित्रा ये कहती है कि जहां जहां सेल्वी और कैथी पर हमला हुआ था वो जगह पोचर के ट्रैप्स के पास ही थी तो पोचर लोगों को मारकर दिखाते हैं कि वनराशि का ये काम है और वो वनराशि की कहानी गढ़ रहे हैं ताकि डर का माहौल बना रहे और अगर डर से लोग यहां जंगल जाएंगे ही नहीं तो उनका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अय्यनर इस थ्योरी पर यकीन नहीं करता क्योंकि वनराशि के आने पर आने वाली अजीब सी आवाज, स्नीफर डॉग्स का डर जाना और ये सारी चीजें बहुत ही अजीब हैं जिनको समझा नहीं जा सकता। तभी ऋषि कैथी के पास जाता है और उसे आखिरी 5 साल में पोचिंग एक्टिविटीज में पकड़े हुए क्रिमिनल्स की लिस्ट मंगवाता है कि तभी हम इरफान को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है लेकिन ऑफिस तक नहीं पहुंचता और उनके वॉकी टॉकी से सत्या को हेल्प का मैसेज मिलता है तो वो उसे ढूंढता हुआ जंगल जाता है जहां पर वो बेहोश पड़ा हुआ था तो उसे CPR देकर होश में लाया गया। लेकिन उनके पास हम किसी को उन पर नजर रखते देखते हैं जो धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं और आहट पाकर सत्या पीछे मुड़कर शूट कर देता है, जिसके साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जहां पर पूरी टीम सत्या और इरफान की तलाश में निकल जाती है क्योंकि वो दोनों आखिरी रात से ही मिसिंग थे। अब ऋषि को उनके डिपार्टमेंट के साथ जाने की परमिशन तो नहीं मिली तो वो अलग से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और पोचर्स की जानकारी निकालने लगता है क्योंकि उनके ग्रुप के बारे में पता लगाने से उसे कोई लीड मिल सकती थी और हो सकता है कि दोनों को पोचर्स ने ही किडनैप किया हो। और वो केती से भी यही बात करता है कि सत्या और इरफान ने जो माल जब्त किया था उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेयर हाउस तक नहीं पहुंचाया गया, कहीं और भेजा गया, इसलिए वो लोग टारगेट बन गए और अभी तक वो नहीं मिले हैं कि अच्छी बात है क्योंकि वो जिंदा होंगे। और इधर सत्या के पापा और इरफान की फैमिली भी आ गई थी और सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हम उन दोनों को देखते हैं तो उन लोगों को कहीं पर कैद करके रखा गया था और उन्हें कैद करने वाला था पोचर ग्रुप का लीडर शेखर, जिसे हमने हाथी के दांत निकालते हुए पहले भी देखा था। सत्या ने वो माल गायब किया जो असल में शेखर तक ना पहुंचने के लिए किया गया था क्योंकि वेयर हाउस में जाने पर डिपार्टमेंट के लोग शेखर से मिले हुए थे, वो उस तक माल पहुंचा देते। लेकिन अब माल सत्या ने कहीं और शिफ्ट कर दिया था तो उसने उन दोनों को ही उठवा लिया। वो उन्हें अब मारने की धमकी देता है, उन्हें पीटता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बताते। अब आगे जाकर वो सत्या को और ज्यादा टॉर्चर करता है, इवन वो एक टाइगर के बच्चे को भी लेकर आता है और उसे मारकर उसकी स्किन और बाकी सामान बेचने के लिए रख लेता है, जिसको देखकर सत्या को बहुत दुख होता है और वो उस पर गुस्सा करता है। यहाँ अब ऋषि सुरीली से पूछताछ करके राज नाम के एक आदमी की लीड निकालता है जो कि इस धंधे में है और राज को पकड़ने की कोशिश करता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे रतिराम के भाई तक पहुंच जाते हैं कि शहर छोड़कर भाग रहा था। वो बताता है कि रतिराम एक्चुअल में पोचिंग के धंधे में था और उसके कहने पर वो एक दो बार पेमेंट करने भी गया था, जिसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जब रतिराम मारा गया और उसको पता चला तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो भाग रहा था, उसने गलती कुछ भी नहीं किया। अब ऋषि को उस दिन का कॉल याद आता है जब इंटेरोगेशन के टाइम कॉल आ रहा था और उसने शेखर नाम नोट कर लिया था तो वो चित्रा से उसके नंबर की आखिरी लोकेशन निकालने के लिए कहता है। अब आखिरी लोकेशन के जरिए वो लोग एक प्राइवेट स्टेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक पुरानी बिल्डिंग थी लेकिन मालिक फ्रांस में रहता था तो गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने देते। अब सत्या की पेट बर्ड नीला उसे ढूंढते हुए वहां तक आ गई थी और वो उसकी हालत देखकर बाहर ही मौजूद ऋषि के पास मदद की उम्मीद से जाती है और ऋषि उसे देखकर समझ जाता है कि सत्या पक्का अंदर है। अब वो और उसकी टीम बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर शेखर और उसके लोग उन पर हमला कर देते हैं लेकिन वो सबको मार देता है। इसी बीच शेखर बचकर भाग जाता है। अब वो लोग सत्या को आजाद करते हैं लेकिन इरफान को ये लोग पहले ही खत्म कर चुके थे, जिससे सत्या पूरी तरह टूट जाता है और ऋषि को संभालता है जो कि इरफान को अपना भाई मानता है।
अब इसी बीच यमुना भी अय्यनर के पास आती है। उनके रिश्ते अब सुधर चुके थे। अपने मन की शांति के लिए कैथी मदर लियाना से भी मिलने जाती है, और वहीं चित्रा की काफी दिन से हीरा से बात नहीं हो पा रही थी तो वो भी उससे मिलने जाती है, जिसको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि आज उसकी शादी है। हीरा बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये पता चल गया था कि वो लेस्बियन है तो उसकी शादी करवा रहे थे, और वो आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी सोसाइटी के अंदर ये सब चीजें एक बीमारी की नजर से देखी जाती हैं, और उन्हें या तो मार दिया जाता है या फिर टॉर्चर किया जाता है जिससे वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं, और वो अपनी लाइफ इस डर के साथ नहीं जीना चाहती। तो चित्रा भी ये सच एक्सेप्ट कर लेती है और वापस चली जाती है। तभी हम कैथी को देखते हैं जो कि ऋषि को लेकर चर्च जाती है, और अब ऋषि को विजी भी नहीं दिखती थी, और ऐसे ही धीरे धीरे वो कैथी के क्लोज आने लगता है और वो भी उसे पसंद करने लगती है। फिर अब ऋषि के हायर ऑफिसर्स उसे सवाल जवाब करते हैं कि इस केस के अंदर कोई लीड उसे मिली या नहीं, जिस पर वो कहता है वनराची मर्डरर्स में पोचर्स का हाथ नहीं है। दोनों का मोटिव बिल्कुल अलग अलग है और उसके कुछ सस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। इस पर सीनियर्स बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं कि वो इस केस के लिए सही भी है या नहीं। अब ऋषि अपने कमरे में था जहाँ पर वो रॉबर्ट की फोटोज को चेक कर रहा होता है, तो उसे उन बकरियों के बारे में पता चलता है, और अब वो सेल्वन के पास जाता है जो कि उसे सच बताता है कि रॉबर्ट एक्चुअल में बकरियों और खरगोश के जरिए उनको पेट बनाकर इस्तेमाल करता था, जिसको वो जानवरों को बुलाकर उनकी पिक्चर्स ले सके। फिर वो इन पेट्स को नशे के इंजेक्शन लगवाने लगा, जिससे कि दूसरे जानवर इनको खाकर धीरे धीरे चले और फोटोज अच्छी आए, लेकिन ज्यादा नशे की वजह से वो जानवर खत्म हो जाते थे, और रॉबर्ट इस चीज का जरा भी दुख नहीं होता था। वो जंगल के खिलाफ पाप कर रहा था, जिसकी वजह से वनराची ने उसको सजा दी, और तब से वो खुद अपने और अपने परिवार के लिए वनराची से माफी मांग रहा है। अब ऋषि घर जाता है और रात को उसकी अचानक नींद खुलती है, तो वो घर के बाहर बहुत सारे वेब स्पिनर्स को देखता है जो कि अपना कुकून बना रहे थे, और वो बाहर आकर देखता है तो उसे वनराची दिखाई देती है जो कि जंगल की ओर चली जाती है, और अब वो उसके पीछे जाता है। इसी के साथ एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 9 शुरू होता है जहां पर ऋषि वनराची के पीछे भागते हुए जंगल में आता है, और वो हर बार यहां से गायब होकर इधर उधर उसे दिखाई दे रही थी, और माहौल डरावना होता ही जा रहा था। साथ ही साथ ऋषि घूमते घूमते उस पेड़ तक पहुंच जाता है जहां पर वनराची रहती है, और यहां पर कनेर के फूल लगे हुए थे जिनकी स्मेल से वो बेसुध होने लगता है, और अब वनराची उसके करीब आ जाती है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो जाता है, जिसे अगले दिन गेस्ट हाउस के बाहर ही होश आता है और उसके आसपास कनेर के फूल ही पड़े हुए थे। तभी हम अय्यनर को देखते हैं जो कि यमुना के साथ नया घर देखने आया था, और वो उसके साथ ही रहने का फैसला करता है क्योंकि उन दोनों के परिवार कभी मानने नहीं वाले थे, लेकिन उनको तो अपनी शादी बचानी थी। अब वो शाम को चित्रा से मिलने पब जाता है, जहां पर वो ये बताती है कि एकम्बरम के सीक्रेट फोन से कुछ मैसेजेस उसकी पीए बसंती को भेजे गए थे, जिसमें किसी न्यूज मीडिया पोर्टल को बहुत बड़े अमाउंट में पेमेंट की गई थी। बसंती यहीं पर है तो वो उसे सच जानने की कोशिश करेगी। चित्रा उसे फ्लर्ट करके सच जानने की कोशिश करती है, और यहां अय्यनर को पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो लेस्बियन है, जिससे वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उससे दूर सा होने लगता है, और वो भी उसको सच बता देती है, और उसके चेंज बिहेवियर को देखकर वो काफी दुखी होती है। तो वो उसके दुख को समझता है और ये कहता है कि वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से आता है तो उसकी सोच थोड़ी पुरानी है, लेकिन वो अपनी सोच को बदलेगा, खुद सुधार करेगा, और जैसे पहले हम दोस्त थे वैसे ही साथ रहेंगे। अब वो दोनों ही ऋषि के पास होते हैं, और वो लोग वही डिस्कशन करते हैं कि रॉबर्ट और एकम्बरम का तो पोचर से कोई लिंक ही नहीं था, लेकिन एकम्बरम ने जब जंगल से रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 5 साल में हजारों पेड़ उसने काट डाले, और उससे पहले उसने न्यूज मीडिया पॉलिटिशियंस फॉरेस्ट ऑफिसर को खरीद लिया ताकि ये बात किसी तक पहुंच ना पाए, और इससे हजारों जानवर और चिड़िया बेघर हो गई थी। ऋषि कहता है कि इन विक्टिम में एक बात कॉमन है, इन्होंने अपने अपने तरीके से जंगल और जानवरों को नुकसान पहुंचाया। तभी हम शेखर को देखते हैं, यानी उसी शिकारी को जो एक गुफा में छुपा हुआ था। एक अंकल उसके लिए खाना लेकर आते हैं और उसको बताते हैं कि उसका एक आदमी कल उसे यहां से निकाल लेगा। तभी हम ऋषि को देखते हैं जो कि सत्या से मिलने जाता है, और वो कहता है कि हर बार उसे हर चीज का रैशनल रीजन मिल जाता है, लेकिन इस बार ये केस पूरी तरह से अजीब है, जो उसकी सोच को भी चैलेंज कर रहा है, यानी अब उसे भी यहां सुपरनेचुरल एंगल फील हो रहा था। अब उन दोनों को एक खबर मिलती है और वो जंगल जाते हैं तो एक पेड़ पर सेम उसी हालत में कुकून में शेखर की लाश लटकी हुई थी, और वो उसके अंकल से पूछते हैं तो वो बताता है वो जब उसे खाना देकर लौट रहा था तभी उसने वनराची की आवाज सुनी और उसकी एक झलक देखी, जिससे वो डरकर भाग गया, और फिर शेखर इस हालत में ऐसे मिला। अब ऋषि सत्या चित्रा और अय्यनर उस गुफा तक जाते हैं, जिसके बारे में सत्या बताता है कि ये कई मीलों तक लंबी गुफा है और यहाँ कभी कोई नहीं आता, और उन्हें यहाँ का मैप लाना होगा, लेकिन ऋषि कहता है कि देर होने पर क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। वो लोग गुफा में जाते हैं, लेकिन चित्रा क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो अंदर जाने से वो डरती है, लेकिन वो अकेले बाहर भी नहीं रह सकती थी तो वो अंदर आ जाती है। अब आगे उन्हें दो और गुफा मिलती है, और अय्यनर
सत्या के साथ पहली गुफा में जाता है तो उन्हें वेब स्पाइनर्स की गुफा मिल जाती है जहां वो रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषि को गुफा में वॉल पेंटिंग मिलती है जिनमें वही सब बना था जो हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में गांव वालों को आदिवासियों को करते देखा। तभी ऋषि को वन राजी की वो स्टैचू मिल जाती है जिसके सामने गांव वालों ने वो रिचुअल्स किए थे और वही चित्रा को जले हुए गांव वालों की आत्माएं डराने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा डर कर चिल्लाने लगती है, भागने लगती है। लेकिन ऋषि को कोई नहीं दिखता और वो उसके पीछे भागता है तो वो उस कुएं में गिर जाता है जिसके अंदर एपिसोड 1 में सभी लोगों ने आग में कूद कर जान दे दी थी और यहाँ पर उसे उनकी राख और हड्डियाँ मिलती है। और अब तक अय्यनर और सत्या भी वहाँ पर आ गए थे और वो सभी थाइम कार्डू के पुराने DFO से मिलने जाते हैं जो बताता है कि उस वक्त यहाँ पर आदिवासियों की रिलोकेशन स्कीम चालू हुई थी लेकिन सदियों सालों से यहाँ रहने वाले कानागर ट्राइब के लोगों ने जंगल यानी उनका घर छोड़ने से मना कर दिया। उनको बार बार समझाया जाता था, गवर्नमेंट हर बार ऑफिसर्स भेजा करती थी लेकिन वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। लेकिन कुछ नहीं हुआ तो वो गुफा में चले गए और वहाँ पर पूजा की और सभी एक साथ आग में कूद कर खत्म हो गए। अब जब गांव खाली मिला तो उन सबको ढूंढा गया और उस गुफा तक वो लोग पहुँचे तब तक देर हो चुकी थी और उनकी डेड बॉडी को वहाँ से निकालने की कोशिश की गई तो वहाँ की टॉक्सिक वाइट डस्ट से लोगों को अजीब सा होने लगा जिससे उन्हें सभी गांव वालों के जले हुए भूत दिखाई देते थे। और फिर उस गुफा से उनकी डेड बॉडीज कभी निकाली ही नहीं गई। अब वो लोग गांव के मुखिया कालिया पेरुमल से मिलते हैं जो कि उस पुराने वक्त से ही कानागर आदिवासियों के साथ था, जो बताता है कि वो लोग जंगल को ही अपना घर मानते थे, उसकी पूजा करते थे, उसकी सेवा करते थे। वो पेड़ों को बच्चों की तरह बड़ा किया करते थे और जानवरों की सेवा करते थे, उनका ख्याल रखते थे। लेकिन यहाँ पर माइनिंग प्रोजेक्ट आने वाला था और वो इसे रोकना चाहते थे, अपने एनवायरमेंट को बचाना चाहते थे। लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो वो सब मर गए जिससे ये प्रॉब्लम बड़ी बन गई और फाइनली माइनिंग प्रोजेक्ट रुक गया। अब ऋषि चित्रा और अय्यनर से बात करता है और चित्रा से कहता है कि उसने गुफा टॉक्सिंग इनहेल कर लिया था और ये उसकी आंखों से ही पता चल गया था, जिसमें वो कहती है कि उस ट्राइब के बारे में वो कुछ नहीं जानती। फिर उसने उन्हें कैसे देख लिया, ये चीज तो समझ से बाहर ही थी। अब अय्यनर कहता है कि दुनिया भर में मांस वाले जितने भी केस हुए हैं उनके अंदर कल्चर रिलीजन एंगल भी होता है और ये सेम वैसा ही है। और उस दिन कानागर के लोगों ने पूजा नहीं की थी बल्कि वो सैक्रिफाइस वाला रिचुअल किया था वनराची को बुलाने के लिए ताकि वो धरती पर वापस आ जाए। तभी वो लोग मंगई का वनराची थीम डांस देखने जाते और मंगई वही है जिसकी एक डॉल की शॉप थी। अब ऋषि कैथी से मिलने जाता है जिसका आज बर्थडे था। वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो तब कैथी उसे प्रपोज कर देती और वो भी विजी के बाद से टूट गया था लेकिन कैथी को देखकर वो ठीक होने लगा था तो वो भी उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन तभी वहाँ हलचल शुरू हो जाती है, लाइट्स फ्लिक होने लगती है और ये लोग गेस्ट हाउस के अंदर देखने जाते हैं तो शॉकिंगली उन्हें एक रूम के अंदर प्रेजेंट DFO मलिका की कुकून में लिपटी हुई लाश मिलती है जिसके साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म होता है। अब हम आते हैं फाइनली सीरीज के लास्ट एपिसोड 10 पर जो शुरू होता है सत्या से जो कि खुद को उसी वनराची वाली गुफा में पाता है जहां पर भूत उसे कुछ पिलाते हैं। और अब आगे के कुएं से वनराची बाहर आकर उसकी ओर बढ़ने लगती है जिसके साथ उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये बस एक बुरा सपना था। और अब वो मलिका के क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। अब ऋषि अपने कैबिन में बैठा हुआ था जिसे उसकी एक्सपर्ट का कॉल आता है जिसे उसे उस बग को दिया था जो बताता है कि सभी लिविंग बींग लाइक इंसान कीड़े और पेड़ों से एक तरह का केमिकल निकलता है जिसको फेरोमोन्स कहा जाता है जो कि स्पेशली इंसेक्ट्स में मोस्टली पाया जाता है जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो जहाँ जहाँ इस फेरोमोन्स को छिड़का जाएगा तो ये वेब स्पिनर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर बहुत जल्दी जल्दी जाल बुन देंगे। और ऋषि को एक लीड मिल गई थी तो वो अकेले ही उस गुफा में जाकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है जिससे वो पेंटिंग्स मिलती है और वो उनकी पिक्चर्स ले लेता है। और यहाँ पर वनराची की गुफा से उसे एक रास्ता मिलता है जहाँ से वो वेब स्पिनर्स वाली गुफा तक पहुँच जाता है जहाँ पर एक पेड़ की जड़ लटकी हुई थी। अब फिर से उसे विजी दिखाई देती है और वो कहता है कि वो नहीं जानता कि वो यहाँ पर है भी या नहीं, या फिर वो खुद से ही बात कर रहा है। लेकिन उस दिन उसे वहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि फिर वो आज जिंदा होती। और उसे उस पर गुस्सा भी आता है लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता। भले ही लड़ाइयाँ हैं लेकिन वही अच्छी यादें भी थी जिन्हें वो बहुत ही ज्यादा मिस करता है। लेकिन अब उसे जाना ही होगा और वो उसे आजाद करना चाहता है जिसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो ऊपर से आ रही थी तो वो उसे चेक करता है जिसके साथ वो उस पेड़ से होते हुए बाहर निकल जाता है जहाँ से वनराची आया करती थी। फिर अब वो पिक्चर्स निकालता है जो उसने गुफा के अंदर ली थी तो वो ये बताते हैं कि ये कानागर की खास जड़ी बूटियां हैं जिसके बारे में सिर्फ वही जानते थे और उन्हें ही पता था कि ये कहाँ मिलती है और कोई बाहर वाला उनको ढूंढ नहीं सकता। और बाकी कुछ फोटोज के अंदर उन जड़ी बूटियों से खास दवाइयां बनाने के प्रोसेस लिखे हुए थे लेकिन ये कानागर के लोकल लैंग्वेज में थे जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर सकता। जिस पर ऋषि कहता है क्या सिर्फ कानागर ही डिकोड कर सकते हैं? अगर हर क्राइम सीन में 3 सवाल होते हैं, क्यों, कैसे और
और कौन। तो यहाँ पर उनके पास क्यों का जवाब है और कैसे की बात करें तो जवाब है कि उस दिन कुछ कानागर्क बच गए थे, यानी उस रिचुअल के वक्त जो कि उस पेड़ से होकर गुफा से बाहर आ गए थे जहाँ से ऋषि बाहर आया, और वही लोग उन जड़ी बूटियों से ड्रग्स बनाकर उन विक्टिम्स को पैरालाइज करते हैं जिससे उन्हें हार्ट अटैक आता है। और उन जड़ी बूटियों के बारे में मेडिकल डिपार्टमेंट को भी नहीं पता, तो वो उसे टॉक्सिन टेस्ट के जरिए पकड़ नहीं पाते और मर्डरर उस पेड़ की जड़ से फेरोमोन्स बनाकर डेड बॉडी पर स्प्रे कर देते हैं जिससे कि वेब स्पाइनर्स उससे अट्रैक्ट होकर जाल बुनकर वो कुकून जल्द से जल्द बना लेते हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग यहाँ कोई वनराची नहीं है, तो कानागर बच गए थे, वही लोग असली कातिल हैं। यहाँ अब फिर से वही माइनिंग शुरू हो जाती है जिसे 20 साल पहले रोका गया था और आज से वहाँ पर काम शुरू होने वाला था। तो वहाँ पर लेबर आ चुके थे लेकिन माइन करने से जंगल खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे खत्म करने के लिए वनराची भी वहाँ आती है और माइन के अंदर लेबर्स को डराती है जिसके साथ वहाँ पर ब्लास्ट भी हो जाता है। वो सभी लेबर्स वहीं पर कैद हो जाते हैं और कई इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन तब तक ऋषि वहाँ पर चित्रा और अयनर के साथ आ जाता है जो बंद रास्ते को खोलने लगते हैं और ऋषि दूसरा रास्ता ढूंढने चला जाता है। अब उसे वनराची दिखाई देती और कोई उस पर वहीं पैरालाइज करने वाला पॉइजन स्प्रे कर देता है और ऋषि पहले ही समझ गया था कि उस दिन उस गुफा से कुछ बच्चे ही निकले थे जो कि 21 से 35 साल के आसपास हो चुके होंगे और वो सब उसके सामने हैं, कहीं छुपे नहीं है, और कौन हो सकता है जो कि जंगल को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तो इसी सवाल के साथ सामने आते हैं इस कहानी के असली राज। तो उस दिन जब सब उस आग में कूद गए थे तो कुछ बच्चे डर कर पीछे हट गए और बाहर निकल कर आ गए। अब मुखिया यानी कालिया पेरूमल को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने उनका सच सबसे छुपा लिया क्योंकि इससे ट्राइब के सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं रहता, और उन्होंने उन बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया। अब उन बच्चों को अलग अलग परिवारों ने अडॉप्ट कर लिया और एक बच्ची को खुद मुखिया जी ने गोद लिया यानी मंगई। बस यही वो बच्ची थी जो वहीं रही पली बड़ी। और सबसे बड़ा बच्चा एक दिन इरफान और उसके साथी की जान बचाता है और फिर उसे दूसरे शहर का फॉरेस्ट ऑफिसर अडॉप्ट कर लेता है और वो बच्चा भी फॉरेस्ट ऑफिसर बनता है, जिसको पता चलता है कि मलिका नाम की करंट DFO से जंगल को नुकसान हो रहा था। तो वो वापस थाइंग काडू आता है और अपने भाई बहनों को इकट्ठा करके अपना बदला शुरू करता है, वनराची वाली कहानी बनाता है और सारी प्लानिंग करता है, और यही लोग वो मर्डर करते थे और वनराची विक्टिम स्टेज किया करती थी। अब ये बच्चे कौन है तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये है सत्या जो कि सबसे बड़ा बच्चा है, मंगई, केथी, अब्दुल, थंगरासु और लड़की तुलसी जो उस वक्त 1 साल की थी, और वो फिलहाल मंगई के साथ वनराची बनती है। और अगर आपको थंगरासु के बारे में याद नहीं आया तो वो रतिराम का अडॉप्टेड भाई है और ये सारे 6 भाई बहन मिलकर ये मर्डरर्स करते हैं। और ऋषि को उनका बेस भी मिल गया था जहाँ पर उनका पूरा सामान, जड़ी बूटी और एक जहर से भरा हुआ सिलेंडर रखा था जिससे आज वो खुदाई के सभी लेबर्स को खत्म कर देंगे क्योंकि माइन से ही सब कुछ शुरू हुआ था, इसी से अब सब कुछ खत्म होगा। वहीं ऋषि सबको समझाता है कि ये सब बिल्कुल गलत है और इसको रोकने के कई तरीके थे, और संगीता और उसके बच्चे के साथ जो हुआ वो डिजर्व नहीं करती थी, तो वो कहते हैं कि वो गलती से हुआ क्योंकि उन्हें वनराची का डर जगाना था। जो भी हुआ, हम एक छोटे बच्चे को ऐसे नहीं मार सकते। ऋषि ये कहता है कि ये माइन के वर्कर्स मासूम है, लेकिन उसकी बात वो नहीं सुनते और उस पर फेरोमोन्स डालकर वेब स्पाइनर छोड़ देते हैं। और ऋषि का माइग्रेन ठीक हो गया था क्योंकि कैथी उसे जड़ी बूटी वाली चाय पिला रही थी जिससे उसे विजी के इल्यूशन से भी दिक्कत नहीं थी। अब उस बेस पर यमुना को एंटीडोट मिल गया था जिसे वो तीनों को दे देती है कि अगर पॉइजन से दिल रुक भी जाए तो इस जड़ी बूटी से वो फिर से ठीक हो जाएंगे, और ऐसे ही ऋषि की जान बच जाती है। फिर तीनों उन्हें रोकने जाते हैं तो वो लोग अयनर, चित्रा, ऋषि से लड़ने लगते हैं, जिस बीच अब्दुल और सत्या मारे जाते हैं और ऋषि को सत्या की मौत से बहुत ज्यादा दुख होता है। इतने में ही पुलिस आकर सभी वर्कर्स को रेस्क्यू कर लेती है और बाकी लोगों को जेल भेज दिया जाता है। फिर ऋषि अयनर आपस में बात करते हैं कि ये सभी तो यहाँ 4 साल पहले आए थे लेकिन बाला को 5 साल पहले मारा गया है, तो क्या उसे सच में वनराजी ने मारा, जिस पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन ऋषि यहाँ पर सच जानता था। तो गाइस यहाँ पर एक और बड़ा राज खुलता है कि उस रात वो रियल वनराची से ही मिला था। जी हाँ, जब उसने असली वनराची का पीछा किया, और वो इसी जंगल में रहती है जो बुरे लोगों को मारने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सत्या और उसकी टीम अपना काम कर दिया करते थे, लेकिन अब वो लोग यहाँ पर नहीं रहे तो उसको अब सब कुछ खुद देखना होगा, तो वो फिर से अपनी गुफा में रहने लगती है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।